मैंने पिछले कुछ सालों में, मैं जिस तरीके से देखता हूँ, क्योंकि आज सुबह ही मेरे एक दोस्त का उत्तराखंड से मुझे मैसेज आया और काफ़ी चिंतित थे वो। सुबह 7 साढ़े 7 बजे हमारी बातचीत हुई और वो बताने लगे उत्तराखंड में पिछले कुछ वक्त में क्या घटनाएं हुई हैं। और वो इस बात से भी गुस्सा थे, थोड़ा उनमें रोष था कि आप जब घटनाएं हो जाती हैं या कुछ कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद आप लोगों की फिक्र जागती है, लेकिन उससे पहले ये फिक्र आपके अंदर नहीं होती है। और मैं ये भी साफ करना चाहता हूँ कि वो दोस्त मेरे, वो जो दोस्त हैं वो हिंदू हैं और उनके अंदर सुबह 7:30 बजे ये फिक्र है, तो ये देखकर मुझे किसी हद तक उम्मीद भी मिलती है और खुशी भी होती है। लेकिन जब हम नफरत के भाषणों की और जब हम बात करते हैं हेट क्राइम्स की, तो इस तरीके का की सॉलिडारिटी, आप इसको मान सकते हैं कि ये बड़े तौर पर एक अपवाद है और इसे कहने में भी हमें शायद शर्म नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि, और ये मैं शायद शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हर तरह की नफरत या हेट स्पीच का जन्म होता है प्रिजिडिस से, यानी पूर्वाग्रह से। और जिस समाज में हम रहते हैं उसके सोशल फैब्रिक का एक बड़ा पार्ट है पूर्वाग्रह। नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस के बीच में किसी तरह का पूर्वाग्रह आप देखते हैं, बिहारी लोगों के लिए पूर्वाग्रह हो सकता है, उसी तरीके से जाति के बेसिस पर पूर्वाग्रह हो सकता है और धर्म के बेसिस पर, कम्युनल बेसिस पर भी पूर्वाग्रह हमारी सोसाइटी का एक बड़ा पार्ट है। लेकिन जब हम कम्युनल पूर्वाग्रह की बात करते हैं, प्रेजुडिस की बात करते हैं, तो इसमें आपको एक कॉन्सर्टेड एफर्ट दिखाई देता है। मसलन जिस फ्रिक्शन को, जो फ्रिक्शन नेचुरल है, जो फ्रिक्शन हर समाज का एक हिस्सा है, उस फ्रिक्शन को प्रायोजित तरीके से, उस फ्रिक्शन को एक आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाए रखने और उसकी इंटेंसिटी को हमेशा एक कदम आगे ले जाने की लगातार ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर और स्टेट के लेवल पर आपको वो कोशिश दिखाई देती है। और इसमें इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि आप देखते हैं कि जब आपके प्रधानमंत्री अपनी चुनावी यात्रा के दौरान लगातार एक माइनॉरिटी को, मुसलमानों को टारगेट करते हैं और वो बोलते हैं कि ये ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों को आपकी आधी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, तो वो चीज़ फीड करती है एक लार्जर नैरेटिव में। और मुझे लगता है यही वो एक कदम है जहाँ पर जो लोग इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट करते हैं या जो लोग इस चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं वो चूक जाते हैं। क्योंकि आप देखें, अगर कोई भी कैंपेन, ये जो तमाम तरह के जिहाद आपके हमारे समाज में हैं, थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सारे एक एस्केलेशन का पार्ट हैं। आप कुछ समय पहले किसी एक छोटे से सर्किल में एक कॉन्वर्सेशन शुरू होती है और वो लगातार एक कैंपेन का पार्ट बनती है, और वो कैंपेन अल्टीमेटली सोसाइटी की मॉरालिटी को शेप करने की कोशिश करती है, और वही मॉरालिटी बाद में शायद लॉ में ट्रांसलेट हो जाती है या पॉलिसी में ट्रांसलेट हो जाती है। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि कुछ लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि मुसलमान खाने में थूकते हैं, और उसके बाद एक कैंपेन चली और उस कैंपेन के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि सब लोगों को अपना नाम अपनी दुकानों पर लिखना है ताकि लोगों को पता चल सके कि खाना शुद्ध है या अशुद्ध है, सिर्फ नाम पढ़कर ये चीज़ पता चल जाएगी। और क्योंकि ये एक कैंपेन का हिस्सा था, उसी तरीके से लैंड जिहाद की भी जो पूरी कॉन्वर्सेशन है वो एक लंबे कैंपेन का, एक लीनियर कैंपेन का हिस्सा है, एक नैरेटिव का हिस्सा है। मैं इस चीज़ को भी मानता हूँ कि जब हम हेट स्पीच की बात करते हैं और हम में से कुछ लोग ये चाहते हैं कि ऐसी स्पीच को बैन किया जाए या इस तरीके की स्पीच को बैन किया जाए, तो मुझे लगता है कि ये मेरी अगेन ये मेरी मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी हेट नैरेटिव के हर कंपोनेंट को या हर एलिमेंट को आप बैन नहीं कर सकते हैं, और वो शायद काउंटर प्रोडक्टिव हो। लेकिन काउंटर नैरेटिव्स, आपका काउंटर नैरेटिव्स पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अलावा इसके मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब एक कंसर्टेड एफर्ट रहता है किसी सोसाइटी की मोरालिटी को शेप करने का, हमारा जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में अगर आप किसी चीज़ को, जो कि क्रिमिनल भी है, आप उसमें से मोरालिटी हटा दें, तो वो चीज़ जस्टिफाइड हो जाती है और वो लेजिटिमाइज हो जाती है।
मुसलमानों के अगेंस्ट, खासतौर पर जब आप किसी तरीके के अपराध को देखते हैं, उसके 10 जस्टिफिकेशन, 10 तरीके से उसको जस्टिफाई करने की मुहिम लगातार चलती रहती है। तो मुझे ये लगता है कि आप एक लंबे टाइम तक इस तरीके के नैरेटिव्स को काउंटर करने के लिए, अगर आप इस तरह के नैरेटिव्स को काउंटर करना चाहते हैं, तो सिर्फ ये कह देना कि जब आप देखते हैं रोज़ एक फेक न्यूज़ आई और आपने बताया कि नहीं, इस केस में इसने खाने में नहीं थूका, फिर कल वही फेक न्यूज़ दोबारा मैन्युफैक्चर होकर आएगी और आप एक ऐसी साइकिल का पार्ट बन जाते हैं जो साइकिल समाज की वो फिर वो एक क्वेश्चन ही नहीं रह जाता है कि वो एक क्राइम था या नहीं था। वो उस प्रेजुडिस को, उस फ्रिक्शन को उस लेवल तक एस्केलेट करने की कोशिश होती है जिसमें सोसाइटी एक अलग तरीके से सोचने लगती है। मैं पिछले महीने मुजफ्फरनगर में मैंने लगभग कई लोगों से बातचीत करी जो उस बैन से इम्पैक्ट हुए थे, और उसके बाद उन सबसे जब मैं बातचीत कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ, और ये चीज़ कुछ साल पहले भी हुई थी कि लव जिहाद से बचाने के लिए सुअर के दांत को अलग अलग मुसलमान लड़के आपसे ना मिले इसलिए आप सुअर के दांत का लॉकेट पहने। इसी तरीके से एक तरफ एक कॉन्सर्टेड एफर्ट रहता है कि आप देखते हैं कि मुसलमानों को लगातार ये समझाया जाता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ ये कोशिश रहती है कि जो दूसरी साइड जिस नैरेटिव को क्रिएट कर रही है उसको, उसके किसी एलिमेंट को समझने की कोशिश की जाए। और ये चीज़ आपको हर स्पेयर में दिखती है, आप नारों में देख सकते हैं। 2014-15 में बड़ी मासूमियत से ये बात बोली जाती थी और ये एस्केलेशन ऐसे ही होता है। 2014-15 में मुझे याद है बोला जाता था कि वंदे मातरम का नारा लगाने में आपको क्या एतराज़ है, और हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम, भारत माता की जय कहना होगा। फिर एक पार्लियामेंटेरियन ने इसके जवाब में शायद ये कहा कि आप मेरे सर पर गोली बंदूक भी रख देंगे तो मैं ये नारा नहीं लगाऊंगा, जिसके ऊपर कुछ लोगों ने कहा कि मैं लगाता हूँ भारत माता की जय, इसमें हर्ज क्या है। 2020 तक वो नारा गायब हो गया था समाज से और नारा, नया नारा आ गया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आप फिर आप इसमें एक ऑब्जेक्शन कह सकते हैं कि गद्दारों को गोली मारने में क्या एतराज़ है। 21-22 तक वो नारा बदल चुका था कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि वो एक लीनियर प्रोसेस है और वो जो एस्केलेशन आप देखते हैं वो लगातार, लॉ के हिसाब से मैं बात नहीं कर सकता लेकिन समाज की जो बेसिक मॉरेलिटी है उसको चेंज करने की भी एक कोशिश रहती है, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तक या बीजेपी तक महदूद नहीं है। अगर कठुआ के रेपिस्ट के लिए मार्च निकालने वाले नेता जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और वो किसी, बिना किसी शर्म के वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी नेता जो आज इस तरह की बातें करता है वो आराम से किसी दूसरी पार्टी में शिफ्ट कर सकता है या कोई सेक्युलर नेता बीजेपी में जा सकता है, तो वो एक बुनियादी क्वेश्चन है जिसको शायद हम लोग एड्रेस करने में फेल कर रहे हैं।